नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग भी निकालनी है और वेपर प्रेशर भी निकालना है, दोनों चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है? पी नॉट ए गिवन है हमको, पी नॉट ए 23.8 mmHg। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गिवन है 18 ग्राम, क्योंकि वाटर है, प्योर वाटर 18 ग्राम पर मोल। डब्ल्यू ए गिवन है यानी वेट ऑफ ए गिवन है 850 ग्राम ऑफ वाटर हम यूज कर रहे हैं। डब्ल्यू वी गिवन है यानी यूरिया के बारे में वेट गिवन है 50 ग्राम, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ओके, ये डेटा हमको गिवन था, हमने लिख लिया। अब राउट लॉ से मैं ये लिख सकता हूं, ये आपको रिलेटिव लोअरिंग मिल जाएगी आपको, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख दिया हमने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? एनवी अपॉन एनए प्लस एनवी। अब चलिए हम यहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे पी नॉट ए की वैल्यू है 23.8 माइनस पी ए नहीं पता हमें, 23.8 पी नॉट ए हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन, यूरिया के मोल्स कैसे निकालेंगे? 50 अपॉन 60, क्योंकि गिवन वेट है 50, मोलर मास है 60, डिवाइडेड बाय 850 ग्राम आपका वाटर है डिवाइडेड बाय 18 प्लस 50 अपॉन 60। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23.8 माइनस पी ए अपॉन 23.8। ऊपर वाला जो मोल आया वो आया 0.83, वाटर के मोल आए 47.22 और आपके यूरिया के मोल तो आपको पता ही है 0.83। सॉल्व करेंगे तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी 23.4 mmHg, ठीक है, ये आपकी पी ए की वैल्यू आ गई। अब अगर आपका पी ए आ गया, ठीक है, पी ए आ गया तो यही आपसे पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन गिवन सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो गया 23.4 mmHg। दूसरा आपसे पूछा था रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा? आपने अभी निकाला था रिलेटिव लोअरिंग, यही तो वैल्यू थी रिलेटिव लोअरिंग की। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वाली टर्म है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन एक्स नॉट ए, और यही हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है, किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.0173। तो ये हो गया, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ गया सॉल्यूशन के अंदर और रिलेटिव लोअरिंग आ गया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.10 यानी 10, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट फॉर द वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि जब भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं तो इसमें फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कौन सा वाला? डेल्टा टीएफ वाला। चलिए हम निकालते हैं इसको आगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है, तो डेल्टा टीवी पहले निकालेंगे, तो डेल्टा टीवी हमें दिया हुआ है। देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और आपको दिया हुआ है वो कितना है, 99.63 हो गया। तो 99, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि अगर मैं कितना मिलाऊं 500 ग्राम की, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाए, और इनिशियली आपको इतना दिया हुआ है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो। तो 100 माइनस 99.63 निकालोगे। अब ये याद रखना कि चेंज जो है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। डेल्टा टी भी अगर आप केल्विन में चेंज करके करोगे तो भी सेम आएगा, और डिग्री सेल्सियस में चेंज करके करोगे तो भी सही आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, तो डायरेक्टली करने का मतलब वही है कि यहां से जो चेंज आ रहा है यानी 0.37, ये केल्विन भी हो सकता है और ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है। तो हमें केल्विन में यूज करना है, तो हम यहाँ पे केल्विन लिखेंगे। तो मास ऑफ वाटर आपको पता है, डब्ल्यू ए आपको दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकाल सकते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होना, C12H22O11, तो इसका जब मोलर मास निकालोगे तो 342 ग्राम पर मोल आएगा। और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के भी आपको दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू
केबी इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को हमने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो वेट ऑफ मतलब वेट ऑफ आपको क्या किसका निकालना था, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आप अलग से निकाल सकते हो। तो इस पूरे उसका अरेंजमेंट कर दोगे तो आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू एमबी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय केबी इंटू 1000। अरेंजमेंट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब सारी वैल्यू रख दो। डेल्टा टीबी अभी निकाला 0.37, एमबी आपको पता है 342 है, 500 ग्राम आपको वाटर दिया हुआ है, 0.52 आपको जो केबी की वैल्यू दे रखी है वो है, और 1000 आपका जो ग्राम की वजह से हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं वो है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू वी की अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 121.67 ग्राम, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.11, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, विटामिन सी से मिलता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये क्या होता है, C6H8O6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, Kf की वैल्यू आपको दे रखी है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। तो बिल्कुल जैसे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड आपको दे रखा है WA 75 ग्राम, ठीक है, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपका C6H8O6 है, तो यहां से मोलर मास निकाल लोगे वो आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल। लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला मतलब जो दे रखा है वो डेल्टा टी है 1.5, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चेंजिंग होती है डेल्टा टी में, यानी टेम्परेचर में जो चेंजिंग होती है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के लिए सेम होती है, तो चाहे वो केल्विन दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही होते हैं। तो 1.5 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है तो ये केल्विन के इक्वल भी होगा, तो केल्विन लिख दिया। केएफ आपको दिया हुआ है 3.9 केजी, 3.9 केल्विन केजी पर मोल। और डेल्टा टीएफ आपको मिल गया, फॉर्मूला आपको पता है वही जैसे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है, ऐसे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है, केएफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का एक्सप्रेशन आप लिख लो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। आपको फाइंड आउट करना है डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी फाइंड आउट करना है तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टीएफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय केएफ इंटू 1000, और इसको जब सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 5.08 ग्राम, और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, यही आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन जो है इंटेक्स का वो डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो कह रहा है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है और आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर V इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 450 ml यानी 0.45 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करेंगे 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पॉलीमर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलर मास आपको दिया हुआ है और वेट आपको दिया है 1 ग्राम, तो 1 upon 185000 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे ना, वेट आपको 1 ग्राम दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, सी क्या होता है एन बाई बी आर टी। ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर वॉल्यूम हो गया एन बाई वी आर टी। चलिए सारी वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू है 1 upon 185000 मोल, वॉल्यूम कितना है 0.45 लीटर। ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 × 10³ पास्कल लीटर पर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, आगे दिया हुआ है 310 केल्विन टेम्परेचर, कोई बात नहीं। अब आगे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 30.98 पास्कल, और 30.98 पास्कल आ जाएगी उसको हम अप्रोक्सली 31 पास्कल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। अब इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हैं, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इंटेक्स्ट के। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले सीरीज के अंदर इस जल्दी से। तो फिलहाल आपका काम क्या है, इस सीरीज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप पर्सनली मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, विश्वेक शर्मा मेरा नाम है, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं आप मुझे, तो वहां पे आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप पर्सनली मुझे कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल को इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, हॉट्स प्रॉब्लम करेंगे, जो आपके आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। सो गाइज, थैंक यू।